बोलो थोड़ा सलमान भाई को रहमत बरसाए हमारे ऊपर भी लॉकडाउन लगे जा रहे। क्या क्या किस वजह से बरसाए? क्या किस वजह से बरसाए? क्या हो गया ऐसा? बहुत तबाही मची लॉकडाउन में उनका। कैसा मोदी के साथ उठना बैठना, तो बोलो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखे। उन्होंने हेल्प की थी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग के एरिया में आके, मतलब हमारे जो भी था इस्लाम एरिया में, उन्होंने बहुत हेल्प करे, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस यही कहना चाहूँगा। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं सलमान खान के घर के पास। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं शाहरुख खान और सलमान खान के जो फैंस हैं किस तरह से उनके घर के सामने खड़के जो है उनका इंतज़ार करते हैं कि सिर्फ उनकी एक झलक दिख जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से लेकर अभी तक खड़े हैं। अभी टाइम वक्त तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और अभी तक लोग जो है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ फैंस से और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। एक्जैक्टली सलमान खान के राइट ऑपोजिट के घर के सामने हम यहाँ पर हैं। मेरे साथ सलमान खान के फैंस हैं, तो आप एक एक करके मैं आपको सबको मिलाता हूँ। और सर मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। आज यहाँ देखने के लिए आया था कि सलमान खान का घर कैसा है। बैंड स्टैंड भी देखा, बहुत अच्छा अच्छा अच्छी जगह है। घूमने फिरे हम लोग, दोस्त हैं उसके साथ में आए थे। ये हमारे मित्र हैं, इब्राहिम था। मैं इतना बोलना चाहूँगा कि सलमान खान का, हम लोग तो बहुत बहुत बार यहाँ पे बैंड स्टैंड आए हैं, लेकिन ऐसा सलमान खान के अगर बारे में बोलना रहेगा तो सलमान खान एक ऐसी शख्सियत है पूरे इंडिया में कि दूसरी वैसे बॉलीवुड की कोई हस्ती उसका कंपेयर नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, सब हस्तियाँ अगर दान करने की बात आती हैं तो कोरोना जैसे पेंडेमिक में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जो उनका चैरिटी है बीइंग ह्यूमन, उससे भी लोगों को वो मदद करते रहते हैं। तो सलमान खान आप लोग कह सकते हो कि बॉलीवुड में सबसे, अभी शाहरुख खान एज ए किंग है, शाहरुख खान तो सबको किंग बोलते हैं, लेकिन सलमान खान उनसे बड़े किंग है मेरे हिसाब से। क्योंकि शाहरुख खान के पास तो बहुत पैसा है, बट इंडिया में कहीं दिखता नहीं है कि वो कहाँ पे खर्च किए, कहाँ पे दिए। लेकिन सलमान खान का आप लोग देखने जाओगे तो हर जगह आपको मिल जाएगा कि कभी किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, चाहे किडनी का प्रॉब्लम हुआ, हर जगह वो करते नज़र आते हैं। तो सलमान खान एज अ बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। सलमान खान ही अच्छा है। क्यों अच्छा है सलमान? क्योंकि वो लोगों की हेल्प करता है। शाहरुख खान भी तो करते हैं, तो उतना पब्लिसिटी नहीं हो सकता है, नहीं होगा शायद। अभी आप सलमान खान के घर के बाहर खड़े हो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं है, ये ट्रू बात है, एक्चुअल बात है। अच्छा, आपको सलमान खान पसंद है? समझो मैं आपको सलमान खान से मिलाता हूँ, आप क्या कहना चाहोगे? सलमान खान को थैंक्स बोलना चाहूँगा। किस बात का? क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं लोगों का। हाँ, कैंसर पेशेंट हो गया, बच्चे लोग का, छोटे छोटे बच्चे लोग का, वो उनका एक मतलब एक संस्था है ह्यूमन बीइंग, उसके मार्फत वो सबका हेल्प करते हैं, इसलिए तो मैं सलमान खान को मतलब सेलेक्ट करना चाहता हूँ। हेलो सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन लगने वाली है, फिर पहले की तरह गरीबों में आप जैसे पहले हेल्प किए हो, अगर फिर जो है वैसे ही गरीबों में हेल्प करते रहो, और आप गरीबों को जैसे हेल्प करते थे वैसे ही करते रहो। और अभी जो लगने वाली है लॉकडाउन, उसमें बहुत सारे इधर जो आए हुए हैं परदेश कमाने के लिए, उन लोगों को हेल्प करें। और बस थैंक यू। कहाँ से हो तुम? मैं बिहार से। बिहार से जी। सलमान खान अच्छा है जी। शाहरुख खान? शाहरुख खान भी है, बहुत अच्छा है, इसे भी अभी ज़्यादा बेस्ट मेरे को सलमान खान लगता है। शाहरुख खान आपका वीडियो देख रहे हैं, और आप शाहरुख खान की तारीफ करोगे सलमान खान की करोगे? अभी तो मैं सलमान खान के घर के पास आए हुए हैं, तो सलमान खान के इनके घर के पास खड़े हुए इसलिए सलमान खान की तारीफ कर रहा हूँ। चलो वहाँ चल के बात करते हैं। शाहरुख खान का पास। अच्छा, आप शाहरुख किसके फ़ैन हो आप? ज़्यादा फ़ैन तो सलमान खान का हूँ मैं। सलमान खान का एक डायलॉग सुना दो प्लीज़। सलमान खान का डायलॉग तो ही मेरे को याद नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई डायलॉग मार रहा था, फिल्म था वो, फिल्म भाग गया। क्या कहना चाहोगे सलमान खान से? सलमान खान से मैं मिलने के लिए आए थे, तो पर वो तो दिख नहीं। सलमान खान? सलमान खान, सलमान खान को देखा है आप? नहीं। अभी आप किस लिए आए हो? ये घूमने आए थे। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? बस ऐसी जू चौपाटी पे घूमने आए थे, शाहरुख खान का घर देखा, सलमान खान का देखा। अच्छा, आपको शाहरुख खान या सलमान खान में किसी मिलना है तो किसको मिलोगे आप? शाहरुख खान से मिलोगे? हाँ। सलमान खान का अभी आप खड़े हो सलमान खान के घर के सामने? नहीं, अब तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, शाहरुख खान से मिलना चाहोगे? शाहरुख खान से मिलना चाहूँगा। अगर मैं शाहरुख खान को मिला दूंगा आप क्या करोगे? बहुत खुशी की बात हुई। शाहरुख खान से क्या कहोगे? शाहरुख खान से अपने दिल की बात कहेंगे उनके सामने। तब बताओ, शाहरुख खान अभी सोचा आपका वीडियो शाहरुख खान देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? शाहरुख खान बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और
फिल्म दुनिया के अंदर सिर्फ शाहरुख खान के अलावा किसी की फिल्म पसंद ही नहीं है। शाहरुख खान का एक डायलॉग सुनो। हैं? एक डायलॉग। शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा बेहतरीन फिल्म लगती है वीरदारा, जिसमें 22 साल का इंतजार दिखाया। वीडियो बनाना मेरे को। फैन तो हम लोग सभी है, बाकी हम लोग उनसे मिलने के लिए बैंड स्टैंड आते इतनी दूर से, अब भाई मिल जाएंगे तो वीडियो। सलमान खान का घर कहाँ है? सलमान खान का घर तो यही है देखो, फर्स्ट फ्लोर ही। इधर से आते फैन से हाय हेलो करते, अभी हम लोग उनके लिए खड़े, अभी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, अब वो तो पता होगा। हम लोग तो उनके शूटिंग गए हैं, अभी फिलहाल नहीं है यहाँ पर। क्या मैसेज क्या है तुम्हारा? हम मैसेज तो यही है, वो आए अपने फैन से हाय हेलो करे, हम लोग उनके राह में खड़े, बस यही है अभी जो भी है। कहाँ से आए? मैं सर जोगेश्वरी से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सलमान हो या शाहरुख हो, कोई भी हो, सर गरीबों का हेल्प करे, फिर लॉकडाउन में किसी को परेशानी ना हो, और बाकी जो है सर जैसे पहले हेल्प किया वैसे भी हेल्प करना चाहिए उनको। सर मैं आप लोगों के लिए आए सर, यहाँ से इतनी दूर से आए सर, आप लोगों के शहर में आप लोग थोड़ा हेल्प करो सर, और बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं, किसी गरीबों का दान करो सर, हम लोग जैसे जी खा रहे हैं जी खा लेंगे सर। अच्छा, पिछली लॉकडाउन में दोनों में किसने ज़्यादा हेल्प की? तो सलमान खान ने किया सर। अच्छा, शाहरुख ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया सर, थोड़ा बहुत हेल्प किया है। तो अभी आप बता। मेरा सर फेवरेट है सर सलमान खान है। ज़्यादा बताओ, दोनों में फेवरेट कौन है? सलमान खान है सर। सलमान खान बेस्ट फैन हूँ सर।